जय हिंद साथियों। जो मई और जून का जो महीना है 2024 का, इस महीने में गर्मी का पिछले सालों का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे ज्यादा जो गर्मी रही है वो 2024 का मई और जून का ही रहा है। इस समय तो टेम्परेचर चल रहा है 45-46 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है, जो कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गर्मी हो जाती है। आपको मैं एक स्क्रीन पर फोटो दिखाऊंगा जो एक ऐसे व्यक्ति का है जो कोई काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में गया और ऑफिस के दफ्तर के बाहर ही समझ सकते हैं कि वैन में बैठे बैठे उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उसे गर्मी लगा और गर्मी के कारण उसको मृत्यु हो गई। यह घटना है मेरे साथ ही घट चुका है। जी हाँ साथियों, मैं कहीं काम के सिलसिले में जा रहा था और वहाँ पर मैं जाते समय देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई एक्शन नहीं ले रहा था, ना ही कोई पुलिस सहायता ले रहा था, ना ही कोई एम्बुलेंस की सहायता ले रहा था, बस उसकी मृत्यु सैया को देखते जा रहे थे। मैं जब देखा तो मैंने 112 नंबर कॉल किया, पुलिस आई, उसको लेकर के हॉस्पिटल गई, मेरा डाटा लिया गया उसके साथ, डाटा पुलिस ने लिया, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा नाम पूछा, मैंने तीनों चीज़ें किया, हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने घोषित कर दिया इसकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु का मेन कारण रहा है गर्मी। तो दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने चलते समय, जब भी आप यात्रा करते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो आसपास यदि किसी व्यक्ति को काफ़ी देर से बैठता हुआ देख रहे हैं, कोई थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, तो आप उसको इग्नोर न करें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है वो व्यक्ति गर्मी से ही परेशान हुआ हो, उसी चीज़ इस चीज़ की हेल्प हो। तो दोस्तों, आप इस तरीके की चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि इस बार की जो गर्मी है उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु लोगों की हो रही है। अलग अलग राज्यों में गर्मी के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये घटना मेरे साथ हुई है। तो सतर्क रहिए और अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का, यात्रा करते हुए आम लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद।